पीछे जा। और भाई अरे भाई 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 वो सीट सेव्ड है अपूर्वा के लिए, पीछे जाना। और रोहन क्या चल रहा है? दोस्तों इस दुनिया में कई ऐसे स्कूल हैं जो अपने अनोखी खासियतों की वजह से जाने जाते हैं, और वो स्कूल ही होता है जहां इंसान अपने जीवन का सबसे अधिक समय बिताता है। इसी के साथ आज ज्यादातर बच्चों को स्कूल एक बोरिंग प्लेस लगने लगा है। वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे स्कूलों को दिखाने वाले हैं जहां के रूल रेगुलेशन बाकी स्कूलों से हटके हैं, और इसे जानकर शायद आज हर बच्चे का ये सपना हो सकता है कि काश मैं भी उस स्कूल में पढ़ता। तो चलिए साथियों, आज हम कुछ ऐसे अमेजिंग स्कूलों को देखते हैं जिसे बच्चे बस्ती की पाठशाला कहते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर वन, बर्गेस हिल स्कूल। दोस्तों अगर आपको इस स्कूल के बारे में बताने लगे तो आप भी यही सोचने लगेंगे कि काश ऐसा स्कूल हमारे इंडिया में भी होता, क्योंकि लंदन के स्कूल में 12 साल के बच्चों को किसी बिगड़े एडल्ट की तरह ही सारी छूट दे दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अपनी मर्जी से कभी भी क्लास बंक कर सकते हैं या फिर क्लास में बैठे बैठे ही सिगरेट और शोर शराबा भी कर सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये स्कूल कम और क्लब ज्यादा है। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह का रूल रेगुलेशन इस स्कूल में आखिर क्यों बनाया गया है। तो हम आपको बता दें कि इस स्कूल के प्रिंसिपल ने इस कॉन्सेप्ट पर स्कूल खोला था कि बच्चों के मन में जो भी आए वो बच्चे अपने मन से कर सके, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से हो और जिससे वो अपने टैलेंट को तेजी से पहचान सके। और दूसरा कारण ये था कि अगर बच्चों को किसी काम के लिए बार बार रोका जाएगा तो बच्चे जिद करके वही काम बार बार करते हैं। अब साथियों, इस प्रिंसिपल की अनोखी सोच की तो दाद देनी पड़ेगी, पर इस स्कूल के बच्चों ने अपनी मर्जी करके इस स्कूल का कबाड़ा बना दिया, जिसके बाद उस प्रिंसिपल को ही अपना स्कूल बंद करना पड़ा। नंबर टू, हॉस्टेज जिम्नोजियम। दोस्तों ये स्कूल डेनमार्क में है और इस स्कूल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर कोई भी दीवार नहीं है, बल्कि ये एक ओपन स्कूल है जहां पर बच्चे कहीं पर भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और बिना रोक टोक के किसी भी इंसान से आसानी से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर बच्चों के पास स्कूल में लैपटॉप, कंप्यूटर और तरह तरह के डिवाइसेज हैं जिससे बच्चे आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं। नंबर थ्री, फॉरेस्ट किंडरगार्टन। दोस्तों अब हम जिस स्कूल के बारे में बताने वाले हैं वो बाकी स्कूलों से बहुत ज्यादा अलग है, जिसमें 3 से 5 साल तक के बच्चों को कोई क्लासरूम के अंदर ना बैठाकर एक खूबसूरत फॉरेस्ट में बैठाया जाता है, जिसके जरिए बच्चों को प्रकृति के साथ घुलने मिलने और उन्हें समझने का मौका दिया जाता है। मगर इसकी वजह से बच्चों की एकेडमिक स्टडी कम होती है जब उन्हें प्रैक्टिकल स्टडी ज्यादा करवाई जाती है, जिससे बच्चे बहुत ही कम उम्र में तरह तरह की एक्टिविटी कर पाते हैं और इसी वजह से ही बहुत जल्द स्मार्ट और इंटेलिजेंट ये बच्चे बन जाते हैं। अब तो ये मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति से जुड़ने का इससे बड़ा बच्चों के लिए कोई उदाहरण नहीं हो सकता। नंबर फोर, रिवर प्ले स्कूल। दोस्तों अर्जेंटीना के स्कूल की पढ़ाई के बारे में जानकर आप आज ताज्जुब में पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2000 बच्चों को किसी स्कूल में ना पढ़ाकर बल्कि एक स्टेडियम में पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चे काफी मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। और इसकी एक खास बात तो ये और है कि ये स्टेडियम अर्जेंटीना का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम यही है जहां पर 1986 का फुटबॉल मैच हुआ था, और साथ ही उस दिन जिस दिन कोई मैच होता है इन बच्चों को उसी स्टेडियम में पढ़ाया जाता है। क्या बात है साथियों, यहां तो बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और मैच को एंजॉय भी कर लेंगे। काश ऐसा हमारे स्कूल में भी होता। नंबर फाइव, लेक गार्डियन हाई स्कूल। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाई करें जहां फिल्मी दुनिया की सारी बातें सिखाई जाती हों? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये स्कूल ऐसा ही है जहां पर इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़ी सारी पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें एक्टिंग, ड्रामा, डांसिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग और रिपोर्टिंग भी सिखाई जाती है। और इस स्कूल में एडमिशन लेना सच में बहुत ही किस्मत की बात है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये वही स्कूल है जहां से हॉलीवुड के कई स्टार पढ़कर निकले हैं। साथियों अगर आपको भी फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी है तो आपको भी इस स्कूल में जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर सिक्स, विच स्कूल। दोस्तों अब तक हमने जितने भी स्कूलों के बारे में हमने आपको बताया न्यू ट्रेडिशनल स्कूल्स थे, लेकिन अब हम जिस स्कूल के बारे में आपको बताने वाले हैं वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जिसमें भूत प्रेतों के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। लेकिन ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं, इसके अलावा बच्चों को आत्माओं के साथ कनेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, जादू टोना करना,
और हिप्नोटाइज करने जैसी तकनीकों को भी सिखाया जाता है। नंबर 7, बोट स्कूल। दोस्तों, बोट स्कूल बांग्लादेश के बच्चों के लिए एक मजेदार स्कूल है जिसमें बच्चे आसानी से बैठकर पढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि बांग्लादेश प्राकृतिक आपदाओं से घिरा एक देश है जहां पर हर साल बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है जिसकी वजह से बच्चों को 2 से 3 महीनों तक अपने घर पर ही बैठना पड़ता है। इसीलिए यहाँ की सरकार के द्वारा बोट स्कूल का आविष्कार किया गया जो कि सबसे ज्यादा काबिले तारीफ है। साथ ही यहाँ की सरकार का मानना है कि चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। वैसे भी बांग्लादेश में एजुकेशन को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती आई हैं। वैसे तो यहाँ की सरकार का इस छोटे से स्तर पर बोट स्कूल का आविष्कार करना बहुत ही कारगर साबित होगा और हम भी यही कहना चाहेंगे कि इससे अच्छा और कोई विकल्प इस देश के लिए अभी तो नहीं। एंड द लास्ट नंबर 8, ट्राइब चो यहा। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि प्रोस्टिट्यूशन का काम पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्पेन के स्कूल में स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन की पढ़ाई कराई जाती है। उसमें छोटी उम्र की लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से फिजिकल कनेक्ट होने का सही तरीका क्या है और कैसे किसी को प्लेजर फील करवाया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, साथ ही आपके इस स्कूल के बारे में क्या ख्याल है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।